की शुरुआत करें इससे पहले आज की हेडलाइंस पर। हनी ट्रैप मामले में आया केंद्रीय मंत्री के बेटे का नाम। त्रिपुरा में निर्भया कांड। अक्टूबर महीने में 11 दिन बंद रहेंगे बैंक। जल्द से डाले जरूरी काम, कहीं फीकी न पड़ जाए आपकी दशहरा दिवाली। विस्तार से हनी ट्रैप केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। सूत्रों से पता चला है कि इसके जाल में एक केंद्रीय मंत्री के बेटे का भी हनी ट्रैप कर ब्लैकमेल किया गया था। भोपाल की रहने वाली महिला आरोपी ने उसे ब्लैकमेल किया था। बदनामी के डर से केंद्रीय मंत्री ने मोटी रकम देकर आरोपी महिला से अपने बेटे का पीछा छुड़ाया था। हनी ट्रैप में भोपाल के कई नामी गिनामी व्यापारियों के नाम भी आ रहे हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में दिल्ली के निर्भया कांड जैसी घटना सामने आई है। यहां एक 32 वर्षीय महिला से चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद आरोपियों ने उसे सड़क पर फेंक दिया। पीड़िता के पति ने बुधवार को पूर्वी अगरतला महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई और उसी दिन 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बैंक से जुड़ी एक खबर सामने आ रही है। दरअसल अगले महीने दशहरा दिवाली समेत अन्य त्योहारों की छुट्टियों के चलते बैंकों में 11 दिनों तक कामकाज ठप रहेगा। देश में त्योहारों का सीजन जारी है। देशवासी बड़े उत्साह से अगले महीने दिवाली मनाने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लगता है उनकी खुशी आधी अधूरी रह सकती है, क्योंकि दिवाली के दौरान LPG सिलेंडर की आपूर्ति में कमी की आशंका है। इसकी वजह दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको के प्लांट पर ड्रोन अटैक है। ड्रोन अटैक के कारण सऊदी अरब का यह प्लांट पूरी तरह तबाह हो चुका है। इससे LPG गैस आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और हमारा ऐप डाउनलोड करें। बने रहे MNS न्यूज के साथ। धन्यवाद।